9 फरवरी की रात को लुधियाना के गांव ईसेवाड़ में एक 21 वर्षीय युवती के साथ गैंग रेप के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में पत्रकार सम्मेलन में बातचीत करते हुए डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने बताया कि आरोपियों की पहचान सादिक अली जगरूप सिंह उर्फ रूपी सुरमू अजय उर्फ लल्लन सैफ अली व एक नाबालिग के रूप में हुई है। उन्होंने खुलासा किया कि मामले की अगली जांच को एक महिला अधिकारी आईजीपी रोपड़ के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर दिया गया है। वहीं उन्होंने खुलासा किया कि पीड़िता की ओर से पुलिस को दिए गए बयान में 8 से 9 आरोपियों का दावा किया गया था, लेकिन जांच में 6 आरोपी सामने आए हैं। हालांकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी लेकर जांच की जा रही है तथा जल्दी अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। इस दौरान डीजीपी ने यह भी खुलासा किया कि महिलाओं की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए पुलिस की ओर से 181 हेल्पलाइन को पुनः एक्टिव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लुधियाना में पुलिस की जरूरत पर समीक्षा की जाएगी और सभी पुलिस थानों और चौकियों में जरूरत के हिसाब से पुलिस दी जाएगी। वहीं उन्होंने अरूसा आलम के साथ फोटो वायरल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बदसलूकी की, रेप किया, उसके बाद ये चीज बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जो पुलिस से नोटिस चीज आई, ये सैटरडे रात की गल है, तो संडे ईवनिंग उस रात नू भी उन्होंने कुछ फोन किया, उस कॉल की अपने दोस्त नू, वन ऑफ दी कल्परेट्स उन्हें कॉल की प्रभनूर दे फोन तो वो कॉल ते फिर वो डेलो थाने उन्हों का दोस्त गया, सॉरी डाखा पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट डे फिर जदों स्टेटमेंट दिती, पता लगा कि एक्चुअली इट वॉज अ इंसीडेंट ऑफ रेप। उसके बाद पुलिस एक्शन च आई, मंडे नू फिर सारा एक्टिविटी जदों संडे राती शुरू हुई, मेडिकल डीएसपी साढ़े जिहड़ा दाखा हैगे हैं हरकमल कौर, उन्होंने वो सारा वो किया। ब्लाइंड केस सीगा, काफ़ी उसते इन्होंने काम किया, मिस्टर खटरा साढ़े डी आई जी लुधियाना रेंज, इन्हों की देख रेख के विच इन्होंने कमांड अपने हाथ लिती, तो काफ़ी मेहनत की। ब्लाइंड केस सीगा, यह नहीं पता सी कि कौन बंदे सी की सी, उदे विच इन्होंने लीड्स डिवेलप कीतियां, टेक्निकल लीड्स डिवेलप कीतियां, उदे नाल कुछ चीज़ा अगे सामने आईया। उदे बाद फिर एक बंदा आइडेंटिफाई किया जड़ा जड़ा अरेस्ट हो गया जगरूप करके, सब तो पहला वो नोटिस आया। वो फिर SSP साहब दे इन्हां दे सॉरी CP साहब दे इलाके दा वो सिगा। सो उदे बाद इन्होंने काफ़ी मेहनत करके पहला एक सामने आया, उदे बाद हौली हौली सारे जिहड़े जिन्ने मुंडे इनवॉल्व सिगे उदे विच उन्हां दी आइडेंटिटीज एस्टैबलिश हुई। फिर ब्रेक थ्रू हुई 12 तरीक नूं, पहला जदों सादिक अली करके एक कल्प्रिट सी जिन्हों उतों नवांशहर तो फड़ के लिया, अगे फिर गल चली तो दूसरे लोग उदे बाद वो फड़े गए। काफ़ी कोआर्डीनेशन हुई, टीम वर्क होया, सारी पुलिस पंजाब पुलिस साढ़े दूसरे ज़िलों की भी उन्हें भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी पुलिस टीम वर्क कोआर्डीनेशन के नाल CP जिदे लुधियाना ने बड़ा चंगा काम किया, जो मेन कल्परेट इन्होंने राउंड अप किया। उदे बाद फिर SSP खन्ना ने दो बंदे फड़े, सो कल दो बंदे फड़े जड़े सो उवें चलते चलते अज 3 बंदे अज फड़े गए। एक जड़ा एक्यूज सेगा वो जम्मू एंड कश्मीर तो उथे साढ़े DSP पीखीविंड मिस्टर सुलखन सिंह, सो ये उत्थे कई दिनों के उत्थे जदों उदी आइडेंटिटी इस्टैबलिश हो गई। पहला सानू ख्याल सी कि शायद दो बंदे उधर J&K गए हुए हैं, 2 कल्प्रिट्स आर दैट साइड। इवेंचुअली पंजवा बंदा भी वापस आ गया सी, वो फिर इत्थे ही फड़िया गया। तो उदे बाद इन्होंने सवेरे अज जिहड़ा लास्ट मुलजिम सेगा, 6 मुलजिम की आइडेंटिटी इस्टैबलिश हुई है। फिलहाल सानू यह है कि 6 बंदे ये इनवॉल्व सी, जिहड़े प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है,
सो उस मुताबिक छे कल्प्रिट्स हैं, सारे छे दे छे हुण तक फड़े जा चुके हैगे आ। सो असी कल इहदे बारे विधानसभा विच वी इशू रेज होया सी। इट वॉज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट, वेरी सैड इंसीडेंट। रेप एक अहिजा क्राइम है, बहुत ही इनह्यूमन ते बहुत ही मतलब अहिजा क्राइम है, इस तो ज़्यादा माड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता। तो साडे लई बड़ी एक अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट सी, बट सारी पुलिस ने इनू एक चैलेंज लैंदे हुए बड़ी मेहनत करके यह अभी वार लकी ते कि जल्दी इनू काबू सारे बंदियां नू कर सके हैं। हुण असी ये भी यकीनी बनावांगे कि एक टीम असी लाई है इंटरोगेशन ते, एक ट्रेंड टीम लाई है जिहड़ी मुलजमां दा इंटरोगेशन कर रही है, ते असी इहदी इन्वेस्टिगेशन साडे डीएसपी जो हरकमल हैगे हैं, ए शील बी दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर दिस केस, वो इन्वेस्टिगेट करनगे। इनफैक्ट लेडी पुलिस ऑफिसर्स शुरू तो असी एसोसिएट किए हुए हैं, सो दैट द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम और दूसरा सो दैट द मैटर इज हैंडल विद ड्यू सेंसिटिविटी, ते वो इहदे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होणगे। असी 60 दिनां दे अंदर अंदर ये यकीनी बनावांगे कि इहदा अपना इहदी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जिवें कल सीएम ऑनरेबल सीएम पंजाब हैड डिक्लेयर्ड इन दी विधानसभा कि असी ही सैड ही विल मीट पर्सनली द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए सो दैट डे टू डे ट्रायल होवे इहदी, ते और इनू मतलब अगले 30 दिनों दे विच आफ्टर 60 डेज ऑफ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन आर कंप्लीट मे बी डे टू डे बेसिस ते करदे हुए, सो अर्लीएसट मे बी इन द नैक्सट 3 months और इन द नैक्सट 4 months वी आर होपफुल कि इन्हों जो इन्हों की बनती सज़ा है, बहुत ही माड़ा इन्होंने काम किया है, तो वो सज़ा दवाइए। दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू फॉर द विक्टिम। एंड सो जागृति लहर के लिए लुधियाना से अनिल पासी व सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट।